हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये जो बोरा है ना, ये पूरा खराब दिख रहा है ना गाइस। हाँ, खराब तो दिखेगा ही, क्योंकि ये ना सामने में ही है। तो बस अभी मैं ना सुबह से ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ, और अभी टाइम हो रहा है, अभी 9 बज रहे हैं, और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ चीला, और मैं ये चीला जो है वो सूजी का चीला बना रही हूँ। तो इसको ना मैंने सूजी को कुछ टाइम से मतलब यही करीब 1 घंटा 1.5 घंटा से भिगो कर फूलने के लिए रख दिया था। तो अभी इसको मैं ना पीस लूंगी, जो मिक्सी है उसमें पीस लूंगी, और फिर इसका जो है चीला बनाऊंगी। बहुत टेस्टी बनता है गाइज, आप लोग जरूर ट्राई करना। तो बस, और आप देख सकते हो इसको मैंने भिगो कर रखा हुआ था, करीब 1-1.5 घंटा हो चुका है। तो अभी ना इसको मैं पीस लूंगी, मैं इसका जो है नाश्ता बनाऊंगी। तो चलिए गाइज, मैं पीस लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी। तो बस गाइज, मैंने इसको ना पीस के ले आई हूँ, आप देख सकते हो। तो आप लोग ना इसको इसी तरह से बनाया करो, अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी। तो बस, और अभी मैंने दूध को भी उबाला हुआ है, और मेरा दूध जब उबल जाएगा मैं इसमें ना चाय बनाऊंगी। और आजकल कुछ दिन हो गया है मैं ना इंडक्शन में ही खाना बना रही हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा आराम से करती हूँ। तो चलिए फिर, और अभी मैंने दूध को उबाल लिया है, और अभी मैं इसमें डालूंगी नमक। और आज मैं बना रही हूँ सूजी का चीला, क्योंकि मेरे पास आज ना जो चावल का पाउडर रखती हूँ मैं, वो नहीं है। तो बस मैं सूजी का चीला बनाऊंगी, और ये भी बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो ये सूजी को ना मैंने भिगो दिया था, और फिर 1-1.5 घंटे के करीब भिगोने के बाद ही मैंने इसको पीसा हुआ है। तो बस, और अभी मैं बना लूँगी चीला। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग हमेशा चीला ही खाते हैं। तो हाँ गाइज, यहाँ पे ज़्यादातर चीला ही पसंद करते हैं सब लोग खाने में, तो क्या कर सकते हैं, सब लोग चीला ही खाते हैं। तो बस अभी मैं एक तरफ चीला बना रही हूँ, और एक तरफ मैंने चाय को भी चढ़ाया है। तो बस, और आज ना मेरी जो सासू माँ हैं वो भी हमारे यहाँ खाने में खा रही हैं, अभी 1-2 दिन हो चुका है। तो इसी वजह से थोड़ा नाश्ता जो है मैं जल्दी बना रही हूँ आजकल, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना क्योंकि लेट में नाश्ता देने से। और हम दोनों जब होते हैं तो चल जाता है, लेकिन सासू माँ होते हैं ना, तो थोड़ा सा उनके लिए ना मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, खाना पीना भी और नाश्ता भी। और हम दोनों होते हैं तो आराम से करने से भी हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी वो भी कहते हैं कि इतना लेट क्यों करती हो, लेकिन फिर भी उनकी बात को मैं इतना ज़्यादा गौर नहीं करती हूँ। तो बस अभी चलिए फिर मैं बना लेती हूँ नाश्ता, और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और नाश्ता पानी करने के बाद फिर ना मैं अभी खाने की तैयारी करूंगी। और आज मैं बना रही हूँ दाल, और इस दाल को मैंने ना भून कर बनाते हैं इसको। तो ये कच्चा वाला था, तो इसको मैंने ना पहले भून लिया अच्छे से, और फिर इसको ना मैंने धोकर सुखा दिया था। तो अभी सूख चुका है पूरा, तो अभी मैं इसको सिलबट्टे पर पीस लूँगी। तो ये दाल को हम लोग यहाँ पर कुलूत दाल बोलते हैं, और मैंने अपनी दीदी से पूछा कि इसको क्या बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको हिरुआ दाल बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि मुझे उतना हिंदी का वर्ड जो है उतना ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारा जो लैंग्वेज है मेरा, तो वो ओडिया है, संबलपुरी है। तो इसी वजह से मैंने उनको पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि इसको हिरुआ दाल बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताना मुझे। तो अभी मैं इसको साफ भी कर लूँगी, पीसने के बाद इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैं दाल को बनाऊंगी। तो माही भी बकबक कर रही थी, क्या क्या बकबक कर रही थी, लेकिन मैंने ना साउंड को कम कर दिया है, और आप उसकी मुंह की एक्शन से पता लगा सकते हो कि वो कितना ज़्यादा बकबक कर रही थी। तो अभी मैंने दाल को जो है बना लिया है गाइस, और ये दाल ना मैंने 2-4 दिन पहले से ही धो के सुखा कर रखा था, और इसका जो है दाल बनाती हूँ मैं। और फिर अभी ना मैं इसको बनाऊंगी दाल, और इसको आप लोग क्या बोलते हो मुझे उतना नॉलेज नहीं है,
लेकिन मैं पूछ के ना दीदी को पूछ के बताऊंगी कि इसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो। तो चलिए फिर मैं अपना दाल बना लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी। अरबी लेके आई है माही, कितना काम करती है। हैला कहली नहीं गई। और अभी मैं यहाँ पे सारी जो सब्जियाँ हैं मुझे जो जो भी काटने थे ना दाल के लिए और सब्जी बनाने के लिए, वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप निकली हुई है और मुझे ना अपने जो किचन है वहाँ पे ज़्यादा ही ठंडा लगता है, तो इसी वजह से। और यहाँ पे माही हैं और मेरी जो बड़ी वाली भतीजी हैं माही की दीदी, वो भी है और वो थोड़ा सा हेल्प कर रही हैं सब्जी काटने के लिए। तो बस, और अभी सब्जी काट कर फिर मैं जाऊंगी बनाने के लिए खाना। और खाना आजकल ना ऐसा लगता है कि हमेशा धूप में बैठे रहो और बैठते बैठते टाइम का इतना टाइम ज़्यादा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कब कितना टाइम हुआ है। तो बस ऐसे करते करते खाना बनाना भी लेट हो जाता है। तो अभी मेरी जेठ जी आ गए थे तो इसी वजह से मैंने अपना जो पल्लू है उसको ढक लिया है। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे करती हैं, और जब जो जेठ जी लोग होते हैं ना तब हम लोग सर पर पल्लू रखते हैं, और आपके यहाँ भी होता होगा और बहुत सारी जगहों पर नहीं भी होता ऐसा। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मैंने इसको काट लिया है। तो ये है सेम बैंगन और अरबी, तो आप देख सकते हो ये बड़ी वाली सेम है और ये अरबी है, और कचई भी बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ सारू कहा जाता है। तो इनके साथ मैं आज ये दाल बनाऊंगी, और इस दाल का नाम तो मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, हमारे यहाँ इसको कुलुट बोलते हैं। तो आप लोग को बताना मुझे कि आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है इसको। तो अभी मैंने दाल को डाल दिया है और फिर मैं इसके पानी डाल दूँगी, मुझे जितने चाहिए होता है उतना। तो बस, और अभी पानी डालने के बाद जितनी भी सब्जी मैंने काट कर रखा है उसको भी डाल दूँगी। तो इसी तरह से मैं इस दाल को बनाती हूँ। और ये वीडियो ना, ये जो रेसिपी है दाल की, इसको मैंने अपने संबलपुरी ब्लॉग में भी शेयर किया हुआ है, तो मैंने सोचा चलो हिंदी में भी कर देती हूँ। तो बस, और अभी मैं इसमें डालूंगी हल्दी और नमक, और हल्दी नमक को अच्छे से मिला लूंगी और फिर मैं इसका ढक्कन भी लगा लूंगी। और इसमें मैं टमाटर ना अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर मैं जब इसको छौंका लगाऊंगी तभी मैं डालूंगी, तो इसी वजह से। और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है ताकि ये जब सीटी आए ना इसका जो पानी है ऊपर ना आए। तो बस, और अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो लगा लूँगी, तो बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस। और इसको ना 3-4 सीटी आने तक ही पकाना है। तो अभी मैं छौंके की तैयारी भी कर रही हूँ, तो अभी मैंने लिया है 2-3 चम्मच के करीब रिफाइंड तेल, और इसके लिए मैंने लहसुन को भी छील के रख दिया था पहले से ही। और इसमें ना लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और इस दाल को ना लहसुन में ही छौंका जाता है। तो अभी मैंने 2 चम्मच के करीब यहाँ पे सरसों के दाने लिए हैं, जब मेरा सरसों तड़क गया था तभी मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। और लहसुन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि ये दाल में ना लहसुन ज़्यादा लेने से ही अच्छा लगता है। तो बस, अभी मेरा लहसुन और एक सूखी मिर्च को मैंने 3 टुकड़ों में तोड़कर डाला है, और इसको अभी मैं थोड़ा सा लाल होने दूंगी। और फिर मैंने डाला है टमाटर, और इसमें टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है इसको। इसमें मैंने ना 2 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं, और फिर मैं टमाटर पकने के लिए थोड़ा सा नमक भी डालूंगी। और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, क्योंकि मैंने दाल में पहले से ही डाला हुआ था, तो बस मैंने टमाटर के लिए ही डाला है। तो अभी आप देख सकती हो मैंने बीच बीच में थोड़ा सा इसको चलाऊंगी, क्योंकि टमाटर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। और बस, अभी मेरा टमाटर जो है गल चुका था, तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और टमाटर को ना दाल में देने से भी होता है, लेकिन मैं नहीं दी हूँ, कभी कभी मैं दे भी देती हूँ दाल में एक साथ ही। तो अभी मैं, मेरा दाल भी बन चुका था, देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा बना है। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूंगी, और फिर मैं अपनी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही मैं इसको पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, ताकि टमाटर जो है इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस, अभी मैंने इसमें डाला है टमाटर। और ये जो दाल है ना, इसको ठंड के महीने में ही अच्छा लगता है ये दाल, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। आपके यहाँ क्या बोलते हो वो भी बताना मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता है ठीक से कि क्या बोला जाता है इसको। तो बस, अभी मुझे पानी और थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने फिर से एक थोड़ा सा पानी डाला है, और इसको ऊपर मैं धनिया हरा धनिया होता है वो डालूंगी। तो इसके लिए मैंने धनिया के पत्ती को भी काट कर रखा हुआ है। तो नमक भी थोड़ा सा कम था, तो मैंने और थोड़ा सा नमक डाल दिया है,
और मैं ना खाना बनाने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ कि नमक ठीक से लगा है कि नहीं, और ये अच्छी बात नहीं होती लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ गाइस। तो बस अभी मेरा दाल जो है वो बन चुका है, तो कैसा लगा आपको रेसिपी मुझे ज़रूर बताना। तो बस गाइस मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैंने बर्तन साफ कर दिए, जितने भी मेरे खाने के बाद काम होते हैं ना उन सबको मैंने कर दिया है। तो अभी मैं जाऊंगी ऊपर, और ऊपर इसलिए जाऊंगी क्योंकि ऊपर थोड़ा सा बैठूंगी, बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठने से। तो बस, और मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मैं ऊपर जाके आराम से थोड़ा सा बैठूंगी। धूप ना एक खुशी का दिन है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि आज जो है ना मुझे मेरा पेमेंट जो है जमा हो गया है, और वैसे जमा हुआ है मतलब मेरे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है अभी, लेकिन मुझे पता चल गया है कि मुझे कितना पेमेंट मिलने वाला है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो आपको भी बता देती हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा और कितना मुझे मिलने वाला है मैं आपको आज नहीं बताऊँगी, मैं जब मिल जाएगा ना तब बताऊंगी। और किसी ने मुझे पूछा था कि आप पहले पेमेंट का क्या करोगी, तो मैं बता दूं गाइस, पहले पेमेंट का मैं अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी मतलब मेरी मम्मी पापा, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, उनको दिखाना चाहती हूँ और उनके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ ज़्यादातर। और मेरी दादी है जो कि बहुत स्वीट है, तो मेरी दादी के लिए एक साड़ी लेना चाहती हूँ, एक अच्छी सी साड़ी मैं उसको देना चाहती हूँ मेरी दादी को, जो कि उसे देखने से वो खुश हो जाए ऐसी एक साड़ी लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो वैसे और कितना दिन है वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी है, तो उसके जीते जी ही मैं ये खुशी देना चाहती हूँ उसको कि एक अच्छी सी साड़ी ला के दूँ उसको, क्योंकि जीवन में ना उसने कभी भी अच्छा साड़ी नहीं पहना है, जैसे आजकल के बुजुर्ग मेरी सासू माँ जैसे पहनती हैं, संबलपुरी बोलते हैं, तो ऐसे साड़ी उसको उसने कभी नहीं पहना। तो मैं सोचती हूँ ना कि मैं सोच रही हूँ कि ये पेमेंट से पापा का इलाज होगा मेरा, और मैं अपनी दादी को एक साड़ी गिफ्ट करूँगी, और यही खुशी है। और साड़ी को देखने के बाद उसकी जो होंठों पर जो हंसी और जो खुशी होगी ना वो मैं देखना चाहती हूँ, तो ये ख्वाहिश है मेरी। और मैं अपनी मम्मी पापा के लिए, अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, मेरी सासू माँ के लिए, और सबके लिए बहुत कुछ सोचा है गाइज मैंने, बस सबके लिए सब कुछ सोचा है, माही के लिए भी, और तो बस ये सब सोचा है मैंने करने का। तो और मेरी मम्मी पापा को तो इतना ज़्यादा नहीं मुझे सोचना होता है, पापा को बस दिखाना है मुझे, लेकिन मेरी मम्मी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ मैं, और मेरी दादी के बारे में, और मेरी दादी के बारे में मैं ना मम्मी पापा से भी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। और ऐसे दिन थे गाइस, मेरी दादी जो है ना वो बहुत हार्ड वर्किंग है, आप लोग देखे होंगे वीडियो में मेरा जो मायके वाला ब्लॉग है उसमें, वो ना आज तक जिंदगी में उसने कभी भी आज तक आराम नहीं किया है, आज तक भी मेरे बचपन से मैंने जब से जाना है तब से वो बस काम ही काम करती रही है, बस काम कर रही है, आज तक उसने कभी आराम नहीं किया है। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ ना कि चलो, अब हम लोग छोटे छोटे थे तो पापा मेरे कुछ नहीं कर रहे थे, तो मेरे दादी ने ही हम लोगों को सब कुछ किया है, हमारा देख रेख, खाना पीना। वो ऐसा भी दिन था जब मेरी दादी ना घर घर मांगने भी जाती थी, तो ऐसा भी दिन देखे हैं हम लोगों ने। तो ये सब कुछ वैसे तो बंद हो चुका है, ये सब कुछ पापा जब से कुछ करने लगे ना, जैसे काम करने लगे हैं, तो तब से ये सब कुछ नहीं हो रहा है अभी ऐसा कुछ भी, लेकिन फिर भी उस दिन को मैं याद करती हूँ ना तो दादी के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। और आज भी ना मेरी दादी काम करती है, हमेशा करती रहती है बेचारी, आज तक ना बैठकर उसने कभी भी नहीं खाया है, तो बैठकर एक दाना भी उसने नहीं खाया है आज तक किसी का। तो बस थोड़ी सी खुशी देना चाहती हूँ मेरी दादी को, और मेरी मम्मी पापा को थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ, और मेरी सासू माँ के पास तो सब कुछ है, मैं क्या दे सकती हूँ उन्हें, क्योंकि मेरी जो ससुर जी थे वो रिटायर हुए हैं और रिटायर हो चुके थे, और उसका जो पेंशन होता है वो मिलता है मेरी सासू माँ को, तो वो बहुत ही, और घर पर भी सब कुछ है जैसे जमीन सब कुछ, जो भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो बस मेरी सासू माँ को कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं उनको दूंगी, लेकिन पहले मैं अपनी मम्मी पापा और दादी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और बाद में फिर जो होगा मैं अपने लिए करूँगी, हस्बैंड के लिए करूँगी, क्योंकि जो जिसकी वो ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए मैं पहले करूँगी और बाद में जो कुछ होगा मैं अपने लिए करूँगी। तो यही सोचा है गाइज मैंने, और आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों की वजह से ही ये सब हो पाया है। और आप लोग इसी तरह हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरह मुझे प्यार करते रहिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं होती। तो बस गाइज इतना ही कहना चाहती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी बकबक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये बकबक नहीं है, मैं अपने दिल की बात बोलती हूँ आप लोगों से। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं अपने हर दिल की बात आप लोगों से शेयर करूँ। तो बस इतना ही ख्वाहिश है मेरी, ये है मेरा सपना कि मैं पहले पेमेंट का मैं ये सब करना सोचा है। और एक बता दूं गाइस, मेरा जो एक दूसरा चैनल है जो संबलपुरी वाला, तो उसका जो मतलब जितना भी पैसा जितना भी पेमेंट आएगा वो मेरी मम्मी के अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो चैनल मैंने अपनी मम्मी पापा को उस चैनल का जो है जितना भी एड्रेस वगैरह जो अकाउंट नंबर होता है वो सब अपनी मम्मी का ही भरा हुआ है। तो उस चैनल में ना मेरी मम्मी का जितना भी मैं उस चैनल पर जितना भी कमाऊंगी ना, तो वो सब मेरी मम्मी पापा का होगा और ये चैनल का जो है ये मेरा होगा। तो बस यही सोचा है और बस ये सब सोच रही हूँ मैं। और मैं ये भी सोचती हूँ ना कि जब मेरी मम्मी कुछ चाहे खरीदना, जैसे कुछ भी चाहे कि ये मेरे पास होना चाहिए, तो वो हमेशा उसके पास ना फट से वो चीज़ आ जाए, और इतना ज़्यादा खुशी दूँ मैं उनको ना, मेरी मम्मी पापा इतना ज़्यादा खुशी दूँ कि मतलब जो चीज़ वो लोग चाहते हैं वो उनके पास पहले ही पहुँच जाए। हर एक खुशी सबको लगता है, हर बच्चे को लगता है, हर बेटा हर बेटी को लगता है, बेटा का तो कह नहीं सकती लेकिन बेटियों को तो लगता ही लगता है कि अपनी मम्मी पापा खुश रहें, मम्मी पापा की आंखों में कभी आंसू ना आए, उनके होंठों पर कभी दुख ना आए, हमेशा उनकी वो हंसते रहें खुश रहें और किसी बात की कोई तकलीफ ना हो। तो ऐसा सब कुछ सब लोग सोचते हैं और मैंने भी सोचा है। तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ना जो भी चाहे खरीदना, जो भी चाहे कुछ मतलब जो भी वो चाहे वो सब कुछ उसे मिले, यहाँ की जितनी भी खुशी है ना मैं उनको उन लोगों के कदमों में डाल दूँ, ये लगता है मुझे, ऐसा लगता है। तो सबको सर हर बेटी को ऐसा लगता है, और ये इस काम में ना ये सब करने में ना मुझे आप लोगों ने बहुत सहारा दिया, बहुत सपोर्ट किया, तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू आप सभी लोगों को। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस, इसी तरह हमेशा मेरे साथ खड़े रहिएगा आप लोग। तो चलिए गाइस मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।